Hello everyone, myself Dr. Arjun Grover and welcome back to my YouTube channel, and I hope you all people will be fine. So today I am here with our today's healthy tip of the day, which is regarding nausea. Have you ever experienced nausea? Nausea or nausea, pronunciation will be different. Nausea means sensation of about to vomit, urge of vomit. मतलब कि मुझे अभी वॉमिट आने लगी है, मुझे अभी उल्टी आ जाएगी, वैसी सेंसेशन होना, एक्सेसिव सलाइवेशन आना, बार बार थूक का आना मुंह में, थूक का इकट्ठा हो जाना और वॉमिट के एपिसोड्स आना, दो से तीन या उससे ज़्यादा वॉमिट के एपिसोड्स आना। या दूसरा केस जो है कि आफ्टर मील जब हैवीनेस हमें फील होती है, जब हमें लगता है कि यू नो ओवरलोड हो चुका है, तो जो हैवीनेस होती है उन केस में, तो इन केसेस में इन सभी का एक रामबाण इलाज क्या है? हमारी रसोई में पड़ी वो एक चीज़, इसका इलाज हमारी रसोई में ही है, और वो जो रसोई में पड़ी वो चीज़ है वो है वाया फेनल सीड्स। फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ के जरिए हम नौशिया, वॉमिट, यू नो हमारी इनडाइजेशन, इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें कैसे? फर्स्टली जो है वो वाया फेनल सीड्स यानी कि जो हमारे पास सौंफ है, बेसिकली सौंफ डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो जो हमारे घर में जो यू नो एक मोटी जो सौंफ होती है, जो ज़्यादा मोटी वो तरह की होती है, उससे जो है आइदर आप 1 टेबल स्पून ऑफ डैट सौंफ ले लीजिए या सौंफ का अर्क। अर्क जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज अर्क में जो उसके वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो उसमें प्रिजर्व्ड रहते हैं, वो उसमें रह जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्ट करता है। आप अर्क या तीसरा सौंफ का काढ़ा, सौंफ का जो डिकॉक्शन है उसका जो काढ़ा है वो बनाइए। काढ़े में किस तरह से रहेगा, जितनी सौंफ है उससे 4 गुना पानी रखिए और जब उसको बॉईल कीजिए, जब 1/4 रह जाए तो आपका काढ़ा बन गया। आप इन तीनों में से जो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी के मुताबिक उनका यूज कर सकते हैं। इनसे क्या होगा कि ये अंदर जाकर के जो डाइजेस्टिव पावर है, जो डाइजेशन है, उसको इंक्रीज करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव जूसेस है, वो इंक्रीज होंगे, तो नेचुरली डाइजेशन इंक्रीज होगी, सिस्टम सूदन होगा, जिससे हमारी नौशिया, हमारी जो वॉमिट की सेंसेशन है एंड हमारी जो इनडाइजेशन है, जो फील ऑफ हैवीनेस है, वो काफ़ी हद तक कम होगी, वो रिड्यूस होगी, कई केसेस में ठीक भी होगी। एंड दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेबल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड पर्सनली मैंने भी अपने पर ट्राई किया है। सो यू नो जिस चीज़ पे मैं 100% यू नो फेथ करता हूँ, मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ। पर्सनली नौशिया, वॉमिट का एंड इनडाइजेशन या हैवीनेस में ट्राई किया है, तो वो रसोई घर की सौंफ भी है जो आपका बहुत अच्छी तरह से इलाज कर सकती है। स्टिल कई केसेस में वॉमिटिंग के एपिसोड्स होते रहते हैं, लाइक डिस्पाइट ऑफ टेकिंग दिस सौंफ इन एनी फॉर्म, सौंफ लेने पर भी आपकी वॉमिटिंग ना रुके, तब ज़रूरी हो जाता है कॉज रूल आउट करना कि आपका वॉमिटिंग का कॉज क्या है। ज़रूरी नहीं कि आपको वॉमिटिंग इनडाइजेशन की वजह से या यू नो किसी नॉर्मल कॉज की वजह से हो, आपकी वॉमिटिंग ड्यू टू फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो डिस्पाइट ऑफ टेकिंग दिस, अगर आपकी वॉमिट ना रुक रही हो तो ज़रूर डॉक्टर को कंसर्न करें, बिकॉज वॉमिटिंग को रोकने का मेन एक इलाज है उसका कॉज रूल आउट करना। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपको जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट टिप ऑफ द डे के साथ एंड आवर नेक्स्ट ड्रग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, अपने व्यूज शेयर कीजिए। आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपको यू नो किस चीज़ के रिगार्डिंग और आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।